केंद्रीय रेल मंत्रालय ने पंचकुला चंडीगढ़ में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन विकसित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के व्यवहारिक पक्ष का मुआयना करने के लिए मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारी चंडीगढ़ पहुंची। रेलवे मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पहले चंडीगढ़ और उसके बाद पंचकुला रेलवे स्टेशन का मुआयना किया गया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि चंडीगढ़ से पंचकुला रेलवे लाइन के नीचे से अंडरपास बनाया जाना है। इससे पंचकुला और चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी होगी, जो इसी रेलवे स्टेशन को बनाने का एक पार्ट है। यह रेलवे स्टेशन 215 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है और यह पीपीटी मोड पर बनाया जाएगा और अगस्त माह तक इसके टेंडर होने की भी संभावना है। होंगे एक कनेक्टिविटी जो चंडीगढ़ से पंचकुला जो रेलवे लाइन के जो सारे के नीचे से अंडरपास बनने जा रहा है और उसकी विड्थ भी मैं समझता हूँ कि 6 लेन की शायद विड्थ है, वो बहुत जो चौड़ा जो अंडरपास बनने जा रहा है वो भी इसी रेलवे स्टेशन के बनाने का एक पार्ट है। उसका माउंट पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया है। अभी पंचकुला को कनेक्टिंग रोड है, इसको और वाइडन करना है। बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ पेड़ हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनसे एक ऑलरेडी एडवाइज़र चंडीगढ़ के साथ ऑलरेडी पहले एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर कुछ इश्यूज़ आए थे, उसमें जैसा कि ये पेड़ जो काटने का है, एक जो कनेक्टिंग रोड है उसको थोड़ा वाइडन करने की बात है, मध्य मार्ग के साथ जो चंडीगढ़ साइड से जोड़ना है उसके बीच में एक पैच है जहाँ पर वो एक्वायर भी होना है, वो चंडीगढ़ प्रशासन का है, वो रेलवे को देना है और वहाँ पर रोड्स के साथ कनेक्टिविटी करनी है। इसी तरीके से जो मौली जागरण की तरफ से रोड आ रही है उसको भी इसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं, आज मैं समझता हूँ कि हमने उनके ऊपर डिस्कस किया है, फ्यूचर में अगर एक आध मीटिंग और करनी पड़ी जरूर करेंगे, लेकिन मेरा ये प्रयास है क्योंकि आज से लगभग 2 महीने पहले रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से इस रेलवे स्टेशन के बनाने के बारे में मेरी चर्चा हुई थी और उसी वीसी के अंदर पीयूष जी ने कहा था कि जल्दी ही हम चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे हैं और उसी वीसी के अंदर उन्होंने आदेश दिया था अधिकारियों को, रेलवे अधिकारियों को, कि एक बार चंडीगढ़ जा कर के जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो एक बार देख करके आएँ और यहाँ से सुन करके आएँ, फिर उसको दूर करने के लिए प्रयास करें। चेंजेज जो है पंचकुला की तरफ होने वाले, थोड़ा उसके बारे में देखिए, बहुत दिनों से हमारी मांग रही है कि पंचकुला साइड का जो रेलवे स्टेशन है वो अनडेवलप्ड है। चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन फंक्शनिंग है लेकिन वो सुविधाएं जो चंडीगढ़ की तरफ से रेलवे स्टेशन को मिल रही हैं वो पंचकुला की तरफ से नहीं हैं। अब क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है कि चंडीगढ़ का पंचकुला का जो रेलवे स्टेशन है उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड का रेलवे स्टेशन बनाया जाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनना जा रहा है, उसी दृष्टि से आज हमारे बीच में प्रणीता राय जी, जो जैसा बताया कि रीजनल हेड हैं इसकी, जो सारे रेलवे स्टेशंस पूरे देश में बनाए जा रहे हैं, वो यहाँ पर पर्सनल विज़िट करने के लिए यहाँ की जो सिचुएशन है, और कुछ उन्होंने मुझे बताया कि अभी मीटिंग के अंदर कि कुछ हमें दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो चंडीगढ़ प्रशासन से हैं, हरियाणा से हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज़ वगैरह की हैं, तो उन सारी बातों के ऊपर चर्चा की है। और जो ये रेलवे स्टेशन बनाया जाना है लगभग 215 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये पीपीपी मोड के ऊपर बनेगा। जो भी एजेंसी इस काम को लेगी, 2 महीने तक हो जाएगा जी इसका टेंडर, क्या है अगस्त तक एक्सपेक्टेड है सर, अभी रेलवे बोर्ड पे जाएगा। हाँ, तो अगस्त तक इसका टेंडर होने की संभावना है और इसका जो काम कंप्लीट करने का
इन्होंने टारगेट दिया है वो लगभग 3 साल से लेकर के 5 साल के अंदर ये जो रेलवे स्टेशन का काम बनने का काम पूरा हो जाएगा। हूबहू जैसा चंडीगढ़ की तरफ से एंट्री होगी वैसी ही एंट्री जो है वो पंचकूला साइड की तरफ से होगी, और क्योंकि पंचकूला के पास खाली लैंड ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट का स्कोप ज़्यादा है, तो उसी दृष्टि से प्लान किया है कि यहाँ जो जो भी फैसिलिटीज़ जो पैसेंजर्स को चाहिए, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर सिटिंग जो लॉन्ज होता है वो यहाँ एसी लॉन्ज होगा, एंट्री के लिए अलग गेट होगा, एग्ज़िट के लिए अलग गेट होगा, ये दोनों तरफ सेम चीज़ होगी कि हम चाहे वो चंडीगढ़ की तरफ से एंटर करें या पंचकूला की तरफ से एंटर करें। तो उस दृष्टि से एक जो हमारी इच्छा थी कल्पना थी कि चंडीगढ़ पंचकूला रेलवे स्टेशन जो है वो अच्छे ढंग से डेवलप होने जाए, तो मैं समझता हूँ कि समय आ गया है, क्योंकि दो जो रेलवे स्टेशन डेवलप किए हैं ये इस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, एक गांधीनगर का और एक मध्य प्रदेश में हबीबगंज का, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के वो दोनों स्टेशन रेलवे स्टेशन बनकर के लगभग तैयार हो चुके हैं, और तीसरा जो हमारा है वो चंडीगढ़ का नंबर है वो जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंचकूला से मैनपॉल की रिपोर्ट।